भारतीय उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान में आधुनिक भारत के प्रबुद्ध समाज, साहित्य और विज्ञान के संदर्भ में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है, जिसका शुभारंभ शुक्रवार हिमाचल प्रदेश राज्यपाल शिवप्रताप शुक्ल ने किया। 3 दिवसीय संगोष्ठी में शिक्षाविद ऑनलाइन व ऑफलाइन अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। संगोष्ठी में हिमाचल प्रदेश सहित देश विदेश से पधारे शिक्षाविद, शोधार्थी, प्रोफेसर संबंधित विषयों का व्याख्यान करेंगे। इस अवसर पर राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल ने कहा कि 3 दिवसीय संगोष्ठी में शिक्षाविद अपने अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। उन्होंने कहा कि आज के समय में इसकी महत्वपूर्ण आवश्यकता प्रतीत होती है। राज्यपाल ने संगोष्ठी के सफल आयोजन की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आज भारत की महत्ता बढ़ रही है और 3 दिवसीय मंथन भारतीय संस्कृति, विज्ञान, भाषा के संदर्भ में सशक्त उदाहरण प्रस्तुत करेगा। देखिए, महत्वपूर्ण विषय पर सचमुच शुरू है कि भाषा, भारतीय भाषा परंपरा और विज्ञान, तो 3 दिन की गोष्ठी है। इसमें निश्चित रूप से अपने अपने विचार रख करके लोग ये करेंगे, लेकिन आज इसकी आवश्यकता अत्यंत है कि जब भारतीय इतिहास को पूरी तौर पर, जो उसका वास्तविक इतिहास था, नकारा गया, आज नई शिक्षा नीति ने अपने इतिहास को, अपने प्राचीन परंपराओं को, संस्कृति को उद्धृत करने का कार्य किया है और विशेष करके भाषा और विज्ञान पर यहाँ पर विचार होने वाला है। मैं इसके लिए शुभकामना भी देता हूँ और सही अर्थों में स्थिति ये आई है कि जब देश को सक्षम नेतृत्व मिला है तो सक्षम नेतृत्व के आधार पर ही आज भारत की वो महत्ता भी बढ़ रही है। भारत जगह जगह ये बात आ रही है, जगह जगह के शासक भी इस बात को कह रहे हैं कि किसी भी बात को, कि अगर भारत इसमें हस्तक्षेप करेगा तो शायद विश्व की समस्याएं धीरे धीरे सॉल्व होंगी, पूरी होगी। तो यह जो 3 दिवसीय मंथन है, मुझे लगता है कि भारतीय संस्कृति के संदर्भ में, भारतीय विज्ञान के संदर्भ में, भारतीय भाषा के संदर्भ में एक बहुत सशक्त उदाहरण प्रस्तुत करेगा और जो बाद में चल करके सरकार भी उसको अपना कर करके जो है इस देश के परंपरा को और अधिक बढ़ाए।